हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज मैं आपको लहसुन की चटनी बनाना सिखाती हूँ। लहसुन की चटनी बनाने के लिए पहले हम लहसुन छील लेंगे और लहसुन छीलने के बाद इनको थोड़ा क्रश कर लेंगे। थोड़ा अदरक भी डालेंगे, अदरक भी ऐसे ही क्रश करेंगे। देखिए अच्छे से क्रश हो चुका है अदरक और लहसुन। अब इनको तेल में डालकर भूनेंगे। इनको हल्का हल्का आपको भूनना है, जिससे ज़्यादा लाल ना हो पाए। अब हम आधा कटोरी दही लेंगे और उसको अच्छे से फेंट लेंगे। फेंटने के बाद उसमें आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच मिर्च मिलाएंगे और अच्छे से इसको मिला लेंगे। और थोड़ा सा साबुत धनिया भी क्रश कर लेंगे आधा चम्मच के बराबर, और उसको चलाते हुए भूनेंगे। और थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें थोड़ा जीरा डालेंगे और उसको और भूनेंगे। तो लाल नहीं करना है, थोड़ा सा कच्चापन निकालना है। तो चलाते हुए भूने और उसमें थोड़ा हींग भी डालें। दही हमने फेटा था, नमक और मिर्च मिलाया था, उसको इसमें डाल दें। थोड़ा पानी डालें। उसको चलाते भूनना है अच्छे से, जब तक ये पानी खत्म ना हो जाए और मसाला तेल ना छोड़ दे। थोड़ा कलर वाली मिर्च डालेंगे इसमें कलर लाने के लिए। कलर वाली मिर्च में अच्छा कलर आ जाएगा। इसको चलाते हुए भूनते रहेंगे और ये बीच में इसमें थोड़ा क्रश किया हुआ धनिया भी डालेंगे। इसको चलाएंगे और 5-10 मिनट तक और पकाएंगे। धनिया भी गल जाए और लहसुन भी गल जाए और उसका मॉइस्चर खत्म हो जाए। इसको मीडियम आँच पे पकने देंगे। देखिए फ्रेंड्स, चटनी बनकर तैयार हो गई है और लहसुन भी अच्छे से गलकर मिक्स हो गई है। अब गैस को ऑफ कर देंगे और चटनी खाने के लिए तैयार। आप तो रोटी के साथ खा सकते हैं।